मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि खास तरह का उद्योग किसी खास इलाके या जगह पर ही पनपता है। इसका कारण उस जगह पर संसाधनों की उपलब्धता या खास प्रतिभा पाया जाना हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले ने किसी न किसी उत्पाद को बनाने की दक्षता हासिल कर रखी है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अमरूद के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जहां अकबर इलाहाबादी ने भी लिखा था, कुछ इलाहाबाद में समा नहीं बहदूत के, या धरा क्या है बजूज अकबर और अमरूद के। जी हाँ, ये प्रयागराज है जहाँ कई प्रकार के अमरूद पैदा होते हैं। जहाँ यहाँ का सबसे मशहूर अमरूद सुरखा कहलाता है, जो ऊपर से भी लाल होता है और अंदर से काटने के भी बाद लाल दिखता है। उसके बाद ये सफ़ेद अमरूद और उसके बाद हरे अमरूद, जो यहाँ की खासियत रखते हैं। अगर कोई प्रयागराज आता है और ट्रेन अगर स्टेशन पर रुकती है तो कुछ और नहीं सोचता, सबसे पहले अमरूद लेने की सोचता है, क्योंकि प्रयागराज के अमरूद अपने आप में एक अपनी पहचान बना के रखते हैं। दूसरे ज़िलों में ही नहीं, देश विदेश तक प्रयागराज के अमरूद जाते हैं और एक अपनी पहचान अलग है प्रयागराज के अमरूद की। वैसे तो प्रयागराज धर्म की नगरी भी कहलाती है, कुंभ के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ त्रिवेणी तीन नदियों के संगम भी होते हैं। मगर अमरूद हो तो बात ही अलग है। प्रयागराज जो कि इलाहाबादी अमरूद कभी कहलाते थे, मगर अब प्रयागराज के अमरूद कहला रहे हैं। प्रयागराज जो इलाहाबाद पहले था, प्रयागराज हो गया है। यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है अमरूद। ये प्रयागराज का अमरूद तीन प्रकार का होता है। एक ग्रीन होता है, एक ग्रीन होने के बाद अंदर गूदा जो है पिंक कलर का होता है, और एक रेड कलर का होता है। इलाहाबाद की फेमस चीज़ सबसे बढ़िया अमरूद ही है। तो किस तरह से यहाँ पर डिमांड रहती है इसकी? डिमांड यहाँ से बाहर तक ये जाता है। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा ही चॉइस करते हैं, बाहर के लोग भी चॉइस करते हैं। ये किसी एक हिसाब से ये समझ लीजिए ये फल देश विदेश तक भी जाता है। ये प्रयागराज की जो सबसे बड़ी पहचान है, उसको आज तक लोग समझा ही नहीं पाए। हर शहर की पहचान उसके राजा महाराजा बादशाह सुल्तान से होती है। ये इकलौता शहर है और प्राचीन शहर है जिसका आज तक कोई बादशाह राजा नृप नरेश सुल्तान या अमीर हुआ ही नहीं। कि खुशरुबा का अमरूद जो है वो एक मिस वर्ल्ड के खूबसूरत गाल के लाल चकत्ते की तरह जो अमरूद है, ये खूबसूरती अमरूद में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। या तो पीला होगा या सफ़ेद होगा, लेकिन इलाहाबादी अमरूद जो है, जैसे जो है सुंदर नारी के जो है गाल पे लाल चकत्ते हों, इस तरीके की जो है खाल लिए हुए जो अमरूद है उसकी मिठास, और उसको काटिए तो अंदर भी लाल, तो ये सब तो है ही है। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो जो है संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, जिसके प्रति आस्था पूरे विश्व ही नहीं पूरे अंतरिक्ष में है। अमावस्या के दिन कुंभ में देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता और जीव जो है यहाँ स्नान को आते हैं। सबसे बड़ा तो कह तो रहा हूँ कि ये जो लाल चकत्तेदार अमरूद है, ये पूरी दुनिया में, ये ग्वाबा आपका अमरूद जो है पूरी दुनिया में नहीं है। कश्मीर का सेब ऊपर ही ऊपर लाल है, अंदर सफ़ेद है, लेकिन क्या रे इलाहाबाद कि इसका अमरूद ऊपर जो है अपनी खाल पे तो लाल है, ये चकत्ता लिए है, अंदर काटिए तो गुलाबियत लिए हुए, सेब में भी वो गुलाबियत नहीं जो इलाहाबाद के अमरूद। लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के नेता विजय कुमार द्विवेदी ने विपक्ष को घेरा था और कहा था पिछली सरकारों ने सरकारी खजाने खाली कर दिए हैं। उनके बयान पर अब सपा के महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार हुसैन ने पलटवार किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं पहले क्या कहा था विजय कुमार द्विवेदी ने और क्या कहना है सपा नेता का। तुष्टिकरण की राजनीति
में पिछले सरकारों ने पूरा खजाना लुटा दिया। अब उस खजाने में जनता के ही सहयोग से जो कर लगता है उसी से खजाना भरता है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर पूरे देश में जो हमारा देसी उत्पादन है लगभग बंद हो गया है, से विदेशी सामानों से बाजार भरे पड़े हैं। आज पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया, डीजल 100 रुपए के ऊपर हो गया, हवाई जहाज़ का तेल कम हो गया। गरीबों की बात किया करते थे, आज गरीबों का सामान महंगा है, जहाज़ बड़े लोग चलते हैं, उनको सहूलियत दी जा रही है। आज जो गैस है वो 1000 के ऊपर पहुँच गई है। ये पूर्वी सरकारों से इसमें कोई मतलब नहीं है। जब आपकी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ आपकी बिल्कुल तो तय नहीं कर पाए कि आर्थिक नीति हमारी कैसे होगी, और पूरा किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का कोई भी सहूलियत नहीं दी गई, चाहे कोरोना काल हो चाहे आज, सब बनावटी महंगाई है। ये पूंजीपतियों के हाथ में पूरा बाजार व्यवस्था चली गई है, जिसकी वजह से दिनों दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सही उत्तर से एडवोकेट महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में न्यू पूजा कलेक्शन में बीती रात चोरों ने छत काट कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कुछ नकदी और कपड़े उठा ले गए हैं। जब सुबह दुकान खुली तो दुकान मालिक को इसकी खबर लगी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय थाने में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस पहुँच कर जाँच में जुट गई है। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हुई, अक्सर चौक में चोरियाँ होती हैं, और ये जो दुर्घटना हुई है जो चौक में पूजा कलेक्शन है जवाहर स्क्वायर में, ये छत तोड़ के कुछ यहाँ पर चोर आए हैं और कुछ कपड़े ले गए हैं, गले से कुछ पैसे ले गए हैं। प्रशासन भी अभी आया है, कोतवाली इंस्पेक्टर के नॉलेज में बात है, और बादशाही मंडी चौकी इंचार्ज अरुण जी आए थे, देख गए हैं, अपने संज्ञान में ले गए हैं। अब देखिए क्या कार्रवाई इसमें होती है। भाई साहब, कल रात उन लोग दुकान बंद करके करीब 9-9:15 बजे चले गए थे। सुबह आज खोली तो पता लगा ऊपर छत से पीओपी तोड़ के कुछ लोग आए थे। यहाँ थोड़ा बहुत कैश रखा था, 20-25 हज़ार रुपये करीब, वो ले गए हैं, और कुछ शर्ट वगैरह चोरी करके ले गए हैं। बाकी हमने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, बुलाया, आप सब चेकिंग हो रही है, पूरा छत वगैरह दरवाज़ा तोड़ के ऊपर से कुंडी, वहाँ से उन लोग आए थे और वहीं से उन लोग निकल गए। लमसम कितने तक की चोरी? 20-25 हज़ार रुपये करीब कैश ले गए हैं, और कपड़े का तो यहाँ कोई पता नहीं, बड़ी दुकान है भाई, नहीं पता लगता है। अब कितना ले गए हैं कोई पता नहीं है, मगर ये कि शर्ट और पैंट वगैरह ले गए हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के नेता विजय कुमार द्विवेदी ने विपक्ष को घेरा था और कहा था पिछली सरकारों ने सरकारी खजाने खाली कर दिए हैं। उनके बयान पर अब कांग्रेस नेता संजय तिवारी ने पलटवार किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं पहले क्या कहा था विजय कुमार द्विवेदी ने और क्या कहना है अब कांग्रेस नेता संजय तिवारी का। तुष्टिकरण की राजनीति में पिछले सरकारों ने पूरा खजाना लुटा दिया। अब उस खजाने में जनता के ही सहयोग से जो कर लगता है उसी से खजाना भरता है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जो भी बोला महामूर्ख और अनपढ़ है, पिछली सरकार ने ही सब कुछ दिया है जो उद्घाटन और फीता काट रहे हैं। दरअसल ये लोग अंधभक्त हैं, ये बजट के बारे में, पैसे के बारे में, महंगाई के बारे में ये जानते ही नहीं। ये जो महंगाई, अगर पिछली सरकार ने खजाना खाली किया था तो बजट में पेश करते, खजाना खाली था, बजट की पूरी कॉपी लोकसभा राज्यसभा में रखी है, पढ़ा कर लिखा करें ना। भाजपा में दरअसल अंधभक्तों की बाढ़ आ गई है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे के चेहरे के आगे छुपना चाहते हैं, इसको चोरी कहते हैं। डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के सबसे बड़े हमले ने प्रयागराज के में मलेरिया विभाग के दावों की सत्यता की पोल खोल दी है। पीक टाइम खत्म होने के बावजूद प्रयागराज में एक दिन में 23 सर्वाधिक लोग डेंगू बुखार हो गया है। हालात ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में मची लूट के चलते सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में जिन मरीजों के एलाइजा जांच हुई उनमें से 23 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई
तो उन्होंने बताया किस तरह से डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम काम कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। कितने लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केसेस कितने हैं और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। प्रयागराज में विगत 2 महीने से डेंगू के पेशेंट आने शुरू हुए हैं। बाढ़ का पानी आया, बाढ़ के पानी निकलने के बाद से पानी इकट्ठा हुआ, फिर ये जो है जो एडीज मॉस्किटो का होता है उसके काटने पे जो लार्वा हमारा पानी में स्वच्छ पानी में फैलता है, 7 दिन में एडल्ट हो जाता है, जिससे डेंगू फैल रहा है। और हाँ, और अब तक जो है 518 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से हमारे 30 केसेस एक्टिव हैं और उसमें से 17 जो है हॉस्पिटल भर्ती हैं और 13 घर पे इलाज कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कितने मामले? 23 पे निकले थे। 23 मामले? हाँ, 23। बताएं कि कुल मौतें कितनी हुई है? अब तक 2 मौत हुई है, एक नाजरत में हुई है, एक मेदांता गुड़गांव में हुई है। ये माना जाता है कि डेंगू का जो पीक समय होता है वो 20 से 25 अक्टूबर के बीच आता है, लेकिन अभी पीक आ रहा है, समय काफ़ी आगे बढ़ गया। हमको भी लग रहा था कि घट जाएंगे, लेकिन जो ये बारिश हो गई दोबारा, उससे फिर पानी इकट्ठा हो गया है। और देखा जाता है कि जो कछार के इलाके में कुछ अपना बेसमेंट बनवा रखे हैं, पानी इकट्ठा हो जाते हैं, खाली प्लाट है तो उसमें पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण फिर से डेंगू का दूसरा पीक आ गया है। वरना डेंगू अब तक जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाना चाहिए और ख़त्म हो जाना चाहिए। सरकार किस तरह से डेंगू का टेस्ट कराती है और कब मानती है कि कोई पेशेंट डेंगू पॉजिटिव है? सरकार जो है इसमें बुखार के जो मरीज आते हैं उस संभावित मरीजों में एंटीजन की जाँच कराए जाते हैं। एंटीजन जितने जाँच होते हैं उनका फिर एलाइजा जाँच कराया जाता है। जब एलाइजा जाँच होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और एलाइजा जांच हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, वहाँ पे अपना सैंपल देते हैं जिससे जांच हो जाता है। बचाव के लिए इस बारिश होने के बाद फिर हमने जो है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने मिल करके जा करके जिन जिन एरिया में केसेज निकल रहे हैं वहाँ के जहाँ पानी भरे हैं पानी निकलवाया जा रहा है, छतों के ऊपर पानी इकट्ठा है उसको साफ़ कराया जा रहा है, झाड़ियाँ कटवाई जा रही है और जो खाली प्लाट में पानी भर गया है उसको भी साफ़ कराया जा रहा है। और सबको बताया जा रहा है कि इसके जो मच्छर हैं शाम को काटते हैं और नीचे आकर पैर में काटते हैं, पूरे स्थान कपड़े पहने, पूरा बदन ढका रहे और जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा हो उसको साफ़ कर दें। घर में अगर कोई डेंगू का मरीज आ जाए तो उसको मच्छरदानी में रखें और बचाव करें, और साथ ही साथ मॉस्किटो नेट के साथ ही अपना जो लगाने वाला है मॉस्किटो वाला वो भी लगाएँ और बचाव करें। इसका बचाव ही इलाज है, जितना सफाई रखेंगे। एक मरीज निकल जाता है तो उसके 50 घरों में हम जा करके पूरे घर की सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, फ्रिज देखते हैं, कूलर देखते हैं, बर्तन है, गमले देखते हैं और जो खाली बर्तन पड़े हुए हैं उसका सब पानी पलटवा देते हैं। पानी इसका पलट देना चाहिए, नालियों में नहीं डालना चाहिए। पलटने से जो लार्वा बने होते हैं मर जाते हैं, अगर नाली में डाल देते हैं तो फिर लार्वा एडल्ट बन के उड़ जाते हैं। ये इसका बचाव ही इलाज है। और प्रतिवर्ष देखा जाता है कि जब भी ये मौसम आता है मच्छरों का तब भी डेंगू केसेस बढ़ जाते हैं। जीका वायरस के भी कोई मामले यहाँ पर आए? जीका वायरस के अभी हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया है। संगम नगरी प्रयागराज MIM के चुनाव लड़ने पर BJP नेता ने कहा था कि उनको अपनी जमानत बचाना मुश्किल होगा, जिस पर अब MIM के नेता आरिफ इकबाल ने पलटवार किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं पहले क्या कहा BJP के नेता विजय कुमार द्विवेदी ने और फिर सुनाते हैं क्या कहा MIM के नेता आरिफ इकबाल ने। आज हर समुदाय पढ़ा लिखा है और कौन उनका हित कर सकता है, कौन उनका अहित होगा, किस सीट पर किसका क्या प्रभाव है, मुझे लगता है कि 2-4 बड़े चेहरों के अलावा उत्तर प्रदेश में ओवैसी को अपनी जमानत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। चल रहे हैं ये उन्होंने शायद अपने विधायकों के लिए कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मूड बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है और हम जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हम 100 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल तक और ओवैसी साहब ने हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने जो लगातार 5 साल संसद में हमारी पार्टी के प्रदेश शौकत अली साहब ने सड़क से लेकर सदन तक मॉब लिंचिंग तक तमाम इश्यूज़ पर जो पब्लिक को मदद की उनके मुद्दों को उठाया, तो हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 100 सीटों पर मजबूती से लड़कर भाजपा को हरा के हम लोग सत्ता से उनको बाहर करेंगे और हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में भाजपा बौखलाहट में है क्योंकि वो बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, अब वो हिंदू मुसलमान और अब उनकी BJP की IT सेल तमाम नफरत की राजनीति
हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास कोई इशू नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के इशूज़ को उठा के, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया कि MIM को सत्ता में पहुंचाने, उनके विधायकों को जिताने के लिए, और सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। संगम नगरी प्रयागराज में SSP प्रयागराज ने 4 उप निरीक्षकों के देर रात को किया इधर से उधर। बता दें, उप निरीक्षक शिवदेव सिंह बघेल को थाना खीरी से, उप निरीक्षक थाना मऊएमा उप निरीक्षक नंद किशोर सिंह यादव को UP 112 से, विवेचना से लपरास शाखा उप निरीक्षक सत्य प्रकाश द्विवेदी को थाना कौंदियारा से, विवेचना से लपरास शाखा उप निरीक्षक लक्ष्मण पाल को एयरपोर्ट सुरक्षा से, विवेचना से लपरास शाखा स्थानांतरित किया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज के ये ललित नगर रेलवे कॉलोनी का नज़ारा है। ये RPF की कॉलोनी है, मगर आज भी RPF की कॉलोनी प्रयागराज नहीं इलाहाबाद में है, क्योंकि यहाँ आज भी बोर्ड पर नाम इलाहाबाद ही लिखा है, क्योंकि जबकि रेलवे की तरफ से प्रयागराज जंक्शन इलाहाबाद जंक्शन को कर दिया गया, उसके बावजूद रेलवे कॉलोनी में आज भी इलाहाबाद लिखा हुआ है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। CM योगी के सपनों पर पानी फेर प्रयागराज की RPF। संगम नगरी प्रयागराज के ये ललित नगर रेलवे कॉलोनी का नज़ारा है, जहां हाल ही में बनी सड़क अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। आप देख सकते हैं इसकी गुणवत्ता पर किस तरह से डामर मिश्रित किया गया कि सड़कें अभी से उखड़ने लगी हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपए से बनी सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार के भेंट। ये नज़ारा है रेलवे कॉलोनी ललित नगर का, जहां आप देख सकते हैं सड़क किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। सरकार के लाखों रुपए होते बर्बाद, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये मलागराज क्रॉसिंग का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से आवारा पशु यहां पर टहल रहे हैं और गंदगी के अंबार भी लगे हैं, मगर रेलवे क्रॉसिंग पर आवारा पशु के कारण किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार अनजान। जबकि यहां पर गेट के लिए गार्ड भी है, और गार्ड के होने के बावजूद यहां पर आवारा जानवर और आवारा पशु रेलवे लाइन के किनारे टहल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहां पर रेलवे लाइन के बीचों बीच भी आवारा जानवर घूम रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी और महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज नैनी क्षेत्र के 343.74 लाख रुपए के लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। नैनी में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़क नाली नाला और खड़ंजा न होने से हो रही समस्याओं को जल्द समाधान हो जाएगा। विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री नंदी और मेयर अभिलाषा का लोगों ने स्वागत किया। लोकपुर कुम्हारना बस्ती के लोगों ने बस्ती में स्थित तालाब के 69 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण के कार्य कराने को धन्यवाद ज्ञापित किया। लोगों ने कहा कि कुम्हारना बस्ती का तालाब अस्तित्व खो रहा था, सौंदर्यीकरण कार्य होने से तालाब को संरक्षित करने के साथ ही लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सकेगा। वहीं मंत्री नंदी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके किया शिलान्यास। संगम नगरी प्रयागराज के ये सूरज कुंड थाने के पास का नज़ारा है, जहां कुंभ के दौरान सुंदरीकरण कराया गया था और यहां पर भगवान राधे कृष्ण की मूर्ति भी लगाई गई थी, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अव्यवस्थाएं हैं और गंदगी के अंबार लगे हैं, और मूर्तियों पे भी मट्टी की धूल की परत जमी हुई है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। भगवान के नाम पर सरकार बनाने वाली सरकार आज भगवानों पर नहीं दे रही है ध्यान। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां गंदगी के अंबार लगे हैं और जर्जर हालात में है। जहां मूर्तियां लगाई गई और सौंदर्यीकरण कराए गए थे, उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और यहां तक कि नशेड़ी रेलिंग भी काट कर ले गए हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और मूर्तियों पर मट्टी जमी है और किस तरह से यहां गंदगी के अंबार बड़ी बड़ी घास उगी हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। अब देखना ये इस पे किस तरह से कार्य होता है, या फिर मूर्तियों के पास इसी तरह से गंदगी के अंबार लगे रहते हैं और मटियां धूल मूर्तियों पर जमी रहती है। संगम नगरी प्रयागराज की बाई की बाग के चौराहे का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं डग्गामार वाहन किस तरह से सरकारी परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां से संचालित होती प्राइवेट बसों के कारण सरकारी विभाग की बसों को लग रहा है लाखों का चूना, मगर जिम्मेदार अनजान
आरटीओ भी नहीं करता यहाँ पर कोई कार्रवाई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बसें खड़ी हैं और यहाँ से प्राइवेट बसें लोकल संचालित हो रही हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के रामबाग का नज़ारा है, जहां पर जल भराव की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा यहां का नाला खोल दिया गया था और सफाई कार्य कराना था, मगर जिसके बाद अब नाले के ऊपर बनी स्लेब को तो तोड़ दिया गया, मगर इसको इसी हालत में छोड़ दिया गया, जिससे एक साइड की रामबाग की ओर जाने वाला रास्ता बाधित हो रहा है, जिससे आने जाने वालों को समस्या का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।